गोला चीका की अग्रवाल धर्मशाला में राइस मिल एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हंसराज सिंगला ने की। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंगला ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल सेवा को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि किसानों की परेशानी का कारण भी पोर्टल सेवा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल पोर्टल सेवा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो पोर्टल प्रणाली लागू की गई है वह उसके हक में ही है, लेकिन वह सही तरीके से नहीं चल रही, जिसको लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान भी 15 दिनों से मंडी में अपनी धान की फसल लिए हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से भारी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के सही ना चलने की वजह से हरियाणा काफी पीछे चला गया है और हरियाणा की कई मंडियों का धान पंजाब में जा चुका है, जिसकी वजह से हरियाणा पिछले पायदान पर आ चुका है। अगर ये पोर्टल प्रणाली नहीं लागू हुई तो धान पंजाब में गया है वह सारा हरियाणा में आता और हमारे मजदूर किसान व आढ़ती को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। गोला चीका से न्यूज वन हरियाणा के लिए बबल कुमार गागट की रिपोर्ट। सारा धान पंजाब की मंडियों में चला गया, कालका से लेकर अम्बाला, नारायणगढ़, ननौला, चीका, पेवा और जाखल, टुआना, डबवाली तक का एरिया पूरा का पूरा पंजाब से नज़दीक है। सारा का सारा धान पंजाब में चला गया। अगर ये पोर्टल सिस्टम ना होता तो ये सारा धान हरियाणा में आना था, जिससे हमारे मजदूर को, व्यापारी को और हमारी सरकार को उसमें कोई ना कोई रेवेन्यू मिलता, बिजली भी कंज्यूम होती, ट्रांसपोर्टर को भी काम मिलता। अब हम एकदम से इस पोर्टल की वजह से हमारा हरियाणा बहुत काफ़ी पीछे चला गया। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 17 मांगे राइस मिलर की मान ली गई, इसमें कोई शक नहीं है 17 मांगे मान ली गई, मगर वो 17 मांगे क्या थी कि वो हमारे अधिकारियों के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड मांगे थी। जो उन्होंने दिक्कतें पैदा करी थी 17, वो हमारे को बार बार बुला के CM साहब के सामने, डिप्टी CM साहब के सामने और ACS के सामने 3-4 मीटिंग करवा के, 3-3, 4-4 करके वो 1 महीने में मानी गई, जो कि सेल्फ क्रिएटेड थी। पिछले सालों की कोई उसमें दिक्कत ऐसी नहीं थी कि कोई राइस मिल की कोई नई मांग मानी हो। कि इस सिस्टम का जो नंगा नाच आज मार्केट बोर्ड में हो रहा है, अगर उनकी जेब गर्म हो जाती है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चल पड़ता है। जहाँ पर सेटिंग नहीं होती वहाँ पर ये सिस्टम फेल हो जाता है। जो व्यापारी को चोर बता दिया गया है, उसके लिए जहाँ तक हमें ये पता है पूरा कि आज RO के नाम पर 25-30 रुपए प्रति क्विंटल का धंधा चल रहा है जो इसमें नीचे, अब हमें ये नहीं समझ में आता कि इतनी मोटी रकम ये कहाँ पे जा रही है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पूरा समाज कहता है कि PK दास जी हमारे एक ईमानदार होनेस्ट आदमी हैं, हमें कोई शक नहीं है वो ईमानदार हैं, मगर उनकी ईमानदारी की आड़ में उसके नीचे जो पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है, कृपया उसको भी मुख्यमंत्री